हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज। डैम्प मीन्स गला देना, दलदला सा कर देना, और ऑफ मीन्स डेड कर देना सीडलिंग को। यानी कि इसका जो पैथोजन होता है पीथियम और फैनी डर्मेटम, पीथियम डिवेरियनम, ये जो पीथियम स्पीसीज है ये जो है इसका पैथोजन होता है पीथियम। और इसका होस्ट जो होते हैं वाइड होस्ट होता है, क्योंकि इसके हर वेजिटेबल्स, प्लांट, फॉरेस्ट ट्रीज, फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, सभी प्लांट जो होते हैं, इसकी सीडलिंग्स जो होती है इस डिजीज से डेड हो जाती है। तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज सीडलिंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट वॉज फर्स्ट स्टडी बाई हेस्से 1874 इन जर्मनी। Seeds and seedlings of almost all kinds of vegetables, cereals, fruit, forest trees are affected by this disease. They are completely destroyed quite frequently by damping off, or they die soon after. They are transplanted in seed beds or fields. However, the losses from this disease are dependent upon the condition like soil moisture, soil temperature and other factors rather than upon the particular species of plant conditions। यानी कि जो इसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज होता है सीडलिंग का, ये वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड के सभी उसमें जो होता है। हिस्से ने 1874 में जो है इसको सबसे पहले इसको जो है डिस्क्राइब किया था इस डिजीज के बारे में। और ये लगभग सभी तरह के प्लांट जो होते हैं, सभी तरह के ट्रीज जो होते हैं, यानी वेजिटेबल, सीरियल्स, फ्रूट, फॉरेस्ट्री, सभी को अफेक्ट करता है ये डिजीज। और ये जो है बहुत अधिक डंपिंग ऑफ डिजीज अगर ट्रांसप्लांटेड है सीड बेड्स में या फिर फील्ड में, तो वहाँ पर डिजीज कॉज होने के बाद बहुत जल्दी ही प्लांट जो होते हैं डेड हो जाते हैं। और इनकी लॉसेस इस डिजीज की के थ्रू जो लॉस होता है क्रॉप का, प्लांट का, वो जो है डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक सॉइल टेम्परेचर कितना है, सॉइल मॉइस्चर कितना है, और सभी फैक्टर्स पर उसके अनुसार ये डिजीज जो होता है डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका जो सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज जनरली मैनिफेस्ट ऑफ टू स्टेजेज, प्री इमरजेंस स्टेज एंड पोस्ट इमरजेंस स्टेज। पहला होता है प्री इमरजेंस, ये हेल्दी सीडलिंग्स दिखाई दे रही है, ये डिजीज्ड सीडलिंग्स दिखाई दे रही है। इसमें दो स्टेजेस में होता है, प्री इमरजेंस स्टेज एंड पोस्ट इमरजेंस स्टेज। प्री इमरजेंस स्टेज में क्या होता है कि जब प्लांट जो होता है या सीड जो होता है सॉयल फील्ड के सॉयल के अंदर ही जब रहता है, जबकि शुरू शुरू में उसकी सीडलिंग स्टार्ट निकलना स्टार्ट ही होता है, तो सॉयल सरफेस के ऊपर आने से पहले ही इसका पैथोजन इस पर अटैक करता है और डिजीज काज होती है, जिससे कि ये पौधा जो होता है जर्मिनेट या सीड जो होता है जर्मिनेशन कर ही नहीं पाता है और सॉयल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। दूसरी स्टेज होती है सॉयल सरफेस के ऊपर आने के बाद, तो सॉयल सरफेस के ऊपर सीड जब जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग्स बनाता है, तो सीडलिंग्स फॉर्म होने के बाद जो होता है जब सॉयल सरफेस के ऊपर पौधा आता है तब डिजीज का इन्फेक्शन होता है, तब वो कहलाता है पोस्ट इमरजेंस फेज। तो इसको सिम्टम्स में जो सीडलिंग्स होती हैं वो गल के डेड हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती हैं, वाटर सोक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो इसकी दोनों स्टेजेस को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे सिम्टम्स में। सिम्टम्स की जो प्री इमरजेंस स्टेज होती है सिम्टम्स की, यानी कि सॉयल सरफेस के अंदर ही जो होता है सीड जो जनरली की पूरी तरह से जर्मिनेशन करने में ही फेल हो जाता है। तो दिस स्टेज अकर व्हेन द सीड्स सोन आर स्टिल टू फार ग्रो इन सॉयल और द डेवलपिंग सीडलिंग्स आर स्टिल टू कम ओवर द सॉयल सरफेस। सॉयल सरफेस के ऊपर आने ही नहीं पाता है, उससे पहले ही जो होता है सीडलिंग इन्फेक्टेड हो जाती है और डेड हो जाती है। सीड्स जो जनरली फेल टू जर्मिनेशन, बिकम सॉफ्ट एंड मस्सी, द टर्न ब्राउन, श्रिंक एंड फाइनली डिजनरेट।
सीड्स जो होता है जर्मिनेट नहीं होने पाता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, मस्सी हो करके वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है और श्रिंक हो जाता है सीड्स, और फाइनली जो होता है फिर वो डेड हो जाता है, उसके टिश्यूज जो होते हैं डेड हो जाते हैं। टिश्यूज ऑफ ग्रोइंग सीडलिंग्स स्टिल अंडरग्राउंड स्टार्ट अपियरिंग एज स्लाइटली डार्केंड एंड वाटर सोक्ड स्पॉट्स एंड द सेल्स इन्फेक्टेड बाई द पैथोजन डाई शॉर्टली आफ्टर द बिगनिंग ऑफ इन्फेक्शन। इन बोथ केसेस द इवेंट्स अकर बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉयल एंड देयर फोर द डिजीज इज द नॉट नोटिस्ड आर ऑन द फेलियर ऑफ सीड्स सीडलिंग्स इमर्जेज अट्रीब्यूटेड टू द पुअर क्वालिटी ऑफ द सीड्स। ये ज़्यादातर डिजीज जो होता है जो पुअर क्वालिटी के सीड्स होते हैं उन पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि जब सॉयल के अंदर ये डिजीज जो होती है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज, ये सीड बॉर्न डिजीज होती है मेनली, सीड एंड सॉयल बॉर्न दोनों ही होती है, तो सीड में जो इन्फेक्शन हो या सॉयल में इन्फेक्शन हो तो वो सीड पर वहाँ बोते ही वहाँ पैथोजन अटैक करता है और पैथोजन के द्वारा जो होता है सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाता है, और सीड से जो सीडलिंग्स वगैरह थोड़ा बहुत जर्मिनेट होते भी हैं तो तुरंत ही सॉफ्ट और मस्सी होकर के, जैसे ऐसा लगता है दलदला सा हो गया, उसे पानी भर गया है और सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, ब्राउन कलर का, और सीड जो होता है पूरी तरह श्रिंक हो जाता है, फाइनली ख़त्म हो जाता है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, नया पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। और जो अंडरग्राउंड होता है वो ऐसा शो करता है कि वो डार्केंड एंड वाटर सोक्ड स्पॉट्स उस पर सीडलिंग पर दिखाई देते हैं, और जो पैथोजन इन्फेक्ट करता है थोड़े ही समय के बाद जो होता है इन्फेक्शन के पूरी तरह से सीडलिंग समाप्त हो जाता है, उसके सारे टिश्यूज डेड हो जाते हैं और वो पूरी तरह से सॉयल सरफेस के ऊपर आने में असमर्थ हो जाता है और वहीं से ख़त्म हो जाता है, उससे कोई नया पौधा जर्मिनेट नहीं होने पाता है। नेक्स्ट होता है पोस्ट इमरजेंस सिम्टम्स। पोस्ट इमरजेंस सिम्टम्स, पोस्ट इमरजेंस का मतलब है कि जब सीड जो होता है जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग कॉज करता है, और सीडलिंग जब ऊपर आकर नए पौधे को ग्रो होना, नए पौधे के रूप में ग्रो होने लगता है, उस समय जो होता है सॉयल सरफेस के ऊपर आने के बाद जो होता है पैथोजन उस पर अटैक करता है, तो इस तरह का जब उस पर सिम्टम्स जब प्लांट के सॉयल सरफेस के ऊपर वाले पार्ट पर भी दिखता है तब वहाँ पर जो है वो पोस्ट इमरजेंस सिम्टम्स कहलाता है। कभी कभी पौधा जो होता है जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेट होकर सीडलिंग बनाता है, वहाँ से फिर नया पौधा जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, तब तक उस पर इन्फेक्शन नहीं आता है। इन्फेक्शन तब आता है जब कि सीडलिंग्स जो होता है वो सॉयल सरफेस के ऊपर आ जाता है, तब पैथोजन यंग टिश्यूज पर अटैक करता है। अटैक वो ग्राउंड लेवल के नीचे ही करता है, पर अटैक तब करता है जब पौधा जो है जर्मिनेशन करके सीडलिंग्स उसकी सॉयल सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह की जो इन्फेक्शन होता है टिश्यूज जो होते हैं बिकम डिसकलर्ड हो जाते हैं, जैसे कि प्री इन्फेक्शन में जो होता था डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इसमें जो स्पॉटेड एरिया है जो इन्फेक्टेड एरिया है वो डिसकलर्ड हो जाता है और वाटर सोक्ड और बहुत जल्दी ही कैलॉप्स हो जाता है। द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द सीडलिंग लुक्स मच थिनर एंड सॉफ्टर देन द हेल्दी वंस एंड इट फेल्स टू सपोर्टिंग द सीडलिंग्स। जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो जो होता है बहुत ही थिनर हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और जो है ये फिर सीडलिंग को सीधा खड़ा रहने में असमर्थ हो जाता है। दिस रिजल्ट्स द टॉपलिंग ओवर द इन्फेक्टेड सीडलिंग्स ऑन द सॉयल एनी टाइम आफ्टर दे इमर्ज फ्रॉम द सॉयल अंटिल द स्टेम हैज हार्डेंड सफिशियंटली टू रजिस्ट इन्फेक्शन। Moreover, the pathogen continues to invade the seedling tissues after it has fallen on the ground and the seedlings quickly wither and dies. जब लगातार जो होता है इन्फेक्शन उस पर पैथोजन करता रहता है तो जो सीडलिंग्स जो है सॉफ्ट मस्सी वाटर सोक्ड और डिसकलर्ड हो जाती है और पूरी तरह से कैलॉप्स हो जाती है और सीधा खड़ा रहने में सीडलिंग असमर्थ हो जाता है, पौधा नीचे ज़मीन पर गिर पाता, और जो इन्फेक्टेड रीजन होता है वो हेल्दी रीजन की अपेक्षा जो है बहुत ही थिनर होता है। यहाँ फिगर में देखिए इन्फेक्शन में जो सीडलिंग्स हैं ये देखिए यहाँ पर जो इन्फेक्टेड रीजन है बहुत ही थिन हो जाता है, फिर धीरे धीरे कैलॉप्स हो जाता है, ऐसा लगता है कि सीडलिंग पूरी तरह से गल गई है, सड़ गई है, तो वो
वाटर सोक्ड मस्सी और स्पंजी हो जाती है। उसके साथ साथ जो होता है पोस्ट प्री इमरजेंस में ब्राउन कलर का एरिया दिखाई देता है जो इन्फेक्टेड होता है, और पोस्ट इमरजेंस में जो होता है ये डिसकलर्ड हो जाती है और जल्दी ही कलाप्स हो जाती है और ये पौधा टूट के नीचे गिर जाता है, इसके आगे फिर ग्रोथ नहीं होने पाती है। तो अगर लगातार पैथोजन का इन्फेक्शन इस पर होता रहता है तो ये जो है जल्दी ही जो होता है सीडलिंग नीचे गिर जाएगी, कैलॉप्स हो जाती है और जर्मिनेशन ना ही उससे कोई नया पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉजल आर्गेनिज्म पर। कॉजल आर्गेनिज्म इसका होता है वैसे पीथियम एफेनीडर्मेटम, पीथियम डिबेरियनम और पीथियम अल्टीमम, ये तीन मेन स्पीसीज हैं जो इस डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैथोजन होते हैं पर हम इसका जो मेन कॉजल आर्गेनिज्म होता है, मेन जो पैथोजन होता है वो पीथियम होता है, जिसकी तीन स्पीसीज मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, पीथियम एफेनीडर्मेटम, पीथियम डिबेरियनम और पीथियम अल्टीमम, ये तीनों स्पीसीज मेन होती हैं। तो सेवरल फंजाई हैज बीन रिपोर्टेड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। दीज आर स्पीसीज ऑफ राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा एंड पीथियम। ऑफ दीज पीथियम अपीयर टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेवरल स्पीसीज ऑफ दिस जीनस आर इवॉल्व, पीथियम डिबेरियनम, पीथियम एफेनीडर्मेटम एंड पीथियम अल्टीमम, बट द इफेक्ट ऑफ ईच देम ऑन इट्स होस्ट इज यूजुअली सिमिलर टू दैट अदर्स। ये जो पीथियम की तीनों स्पीसीज जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग के लिए, ये तीनों का असर लगभग एक ही जैसा होता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है किंगडम फंजाई यानी माइकोटा में रखते हैं इसको, डिवीजन यू माइकोटा क्योंकि ट्रू फंजाई है, क्लास उमाइसिटीज में रखते हैं क्योंकि इसका जो स्पोरेंजिया होता है उसका क्लीवेज करके उसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसमें ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, पेरेनोस्पोरेल्स में रखने का रीज़न ये है कि इसमें पेरेनोस्पोरेल्स इसमें जो होते हैं उमाइसिटीज के जितने भी पेरेनोस्पोरेल्स में रखे जाते हैं उनमें सभी में जो लोकोमोशन होता है या जो मोटाइल गैमेट जो होते हैं केवल जू स्पोर के फॉर्म में ही होते हैं और किसी भी फॉर्म में मोटाइल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। फैमिली पिथिएसी, जीनस पीथियम डिबेरियनम या पीथियम अल्टीमम या पीथियम अफेनी डर्मेटम, तीनों ही स्पीसीज में रख सकते हैं क्योंकि तीनों ही डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग का, माइसीलियम जो होता है कलरलेस होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सीनोसिटिक होता है, सीनोसिटिक मतलब जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, तो कलरलेस सिलेंड्रिकल सीनोसिटिक होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग पाई जाती है और रैपिडली ग्रो करते हैं। तो माइसीलियम इसका प्रोफ्यूजली ब्रांच पाया जाता है, कलरलेस होता है, सिलेंड्रिकल होता है और सीनोसिटिक होता है यानी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इट प्रोड्यूसेस टर्मिनल और इंटरकैलरी स्पोरेंजिया, इट प्रोड्यूसेस टर्मिनल और इंटरकैलरी स्पोरेंजिया विच आर ग्लोबोज टू ओवल। जो स्पोरेंजिया होते हैं उसके माइसीलियम के टर्मिनल छोर पर या फिर बीच में प्रेजेंट रहते हैं, और ये स्पोरेंजिया या तो ग्लोबोज शेप में होते हैं या फिर जो होते हैं ओवल शेप में पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया जर्मिनेट आइदर डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब और प्रोड्यूसिंग जू स्पोर्स, द जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन ए वेस्किल विच डेवलप्स एट द एंड ऑफ साल्ट हाइफा एक्सट्रूडेड फ्रॉम द स्पोरेंजियम। द स्पोरेंजियल प्रोटोप्लाज्म पासेस इनटू द बेसिल एंड देयर इज डिफरेंशिएट्स इनटू किडनी शेप्ड या रिनीफॉर्म एंड बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स मोर देन 100 इन नंबर। द वेस्किल रप्चर्स एंड द मेच्योर जू स्पोर्स आर रिलीज्ड, दे स्वार्म इन द वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स, कम टू रेस्ट इंसिस्टेड और राउंडिंग ऑफ एंड जर्मिनेट बाई प्रोड्यूसिंग ए जर्म ट्यूब और समटाइम्स अनदर बेसिल
इन विच सेकेंडरी जू स्पोर्स आर फार्म बट द फाइनल फेट जू स्पोर्स जर्मिनेट इज द प्रोटो प्रोडक्शन ऑफ जर्म ट्यूब. तो इसका जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है स्पोरेंजिया के थ्रू होता है. स्पोरेंजिया जो होते हैं इंटरकैलरी होते हैं या फिर टर्मिनल छोर पर होते हैं, ग्लोबोज या फिर ओवल शेप में होते हैं. और जब जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी स्पोरेंजिया डायरेक्ट जर्मिनेट होता है, जू स्पोर फॉर्म करता है, या फिर जो होता है इसका पूरा कंटेंट जो होता है वेस्किल में ट्रांसफ़र होता है और वेस्किल में क्लीवेज के द्वारा ये जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. और जू स्पोर वेस्किल से रप्चर होने के बाद जब फ्री हो जाता है तब जो है ये जू स्पोर जो होता है कुछ समय तक स्वार्म वाटर में स्वार्म करता है, उसके बाद जो है इंसिस्टेड फॉर्म में हो जाता है और फिर जू स्पोर बना करके जर्मिनेट करता है. तो इसमें इस फिगर के द्वारा इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीथियम डिवेरियनम में देखते हैं. ये सोमैटिक हाइफा है. सोमैटिक हाइफा की कोई ब्रांच से जो होता है स्पोरेंजियोफोर निकलता है, जिस पर कि मल्टी न्यूक्लिएट स्पोरेंजिया बियर होते हैं जो कि ग्लोबोज या ओवल शेप में होते हैं. इसको स्पोरेंजिया या जू स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं. तो कभी कभी जू स्पोरेंजिया जो होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन करता है, यानी कि तुरंत जो है जर्म ट्यूब बनाएगा और नया इन्फेक्शन हाइफी कॉज करेगा. और या फिर जो होता है इसका पूरा कंटेंट, इससे एक वेस्किल फॉर्म होती है, पूरा कंटेंट वेस्किल में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सभी. और इसमें जो होता है क्लीवेज करके मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जू स्पोर फॉर्म होते. तो एक वेस्किल में लगभग 100 तक भी जू स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं. जब जू स्पोर्स ढेर सारे इसमें फॉर्म हो जाते हैं तो वेस्किल की वाल जो होती है इस पर जो होता है प्रेशर पड़ता है, जिससे वेस्किल वाल रप्चर हो जाती है. जब वेस्किल वाल रप्चर हो जाती है तो ये जू स्पोर्स फ्री हो जाते हैं. ये जू स्पोर्स जो होते हैं किडनी शेप होते हैं या रिनी फॉर्म में होते हैं और बाई फ्लैजिलेट होते हैं, जिसमें टिंसल शेप का फ्लैजिला होता है. कुछ समय तक ये सॉयल वाटर में स्वार्म करते हैं. सॉयल वाटर में स्वार्म करने कुछ समय के बाद जो होते हैं ये इनका फ्लैजिला गायब हो जाता है, ये राउंडेड हो जाते हैं, यानी कि इंसिस्टेड हो जाता है जू स्पोर्स. जू स्पोर इंसिस्टेड हो जाता है और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और उचित होस्ट मिलता है तब ये जो होता है जर्म ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और जर्म ट्यूब बना करके और नया जर्मिनेशन करता है और नया इन्फेक्शन हाइफी डेवलप करके सोमैटिक हाइफा फिर से कॉज कर लेता है. तो ये इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल है, जो कि ये स्पोरेंजिया या फिर जू स्पोरेंजिया के थ्रू चलती है. नेक्स्ट इसकी जो कि सेक्सुअल स्टेज होती है पीथियम डिवेरियनम की. सेक्सुअल स्टेज में द फंगल पैथोजन अप्रोचेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स ग्रोइंग सीजन. इट इनिशिएटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब एडवर्स कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. द माइसीलियम गिव्स राइज टू सेक्स ऑर्गन्स, यानी क्लब शेप्ड एंथीडिया एंड स्फेरिकल उगोनिया इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफन ऑन द सेम हाइफा. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंड रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऊ स्पोर इन ईच उगोनियम. द ऊ स्पोर also called resting spore is a thick walled structure resistant to high or low temperatures and other adverse factors. An oo spore germinates either by producing germ tube or by producing vesicle in which zoo spores are formed in a way similar to the adopted by sporangia. तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में होता है. एडवर्स कंडीशन में जो सोमैटिक हाइफा होती है, इसकी कोई हाइफा जो होती है एक तो सोमैटिक हाइफा की कोई ब्रांच जो होती है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के रूप में हाइफा डेवलप होती है. फीमेल हाइफा से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन डेवलप होता है उगोनियम, जो कि ग्लोबोज शेप स्ट्रक्चर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. और मेल हाइफा से जो है एंथीडियम यानी कि क्लब शेप स्ट्रक्चर एंथीडियम डेवलप होता है, यानी कि मेल गैमेटेंजिया. तो ये दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और उगोनिया के जो होते हैं दो पार्ट में डेवलप होता है,
सब पेरीफेरल पार्ट जो होता है पेरीप्लाज्म कहलाता है और सेंटर का पार्ट जो होता है वो प्लाज्म कहलाता है। पहले यंग स्टेज में गोनियम के जो होता है पेरीप्लाज्म और ऊप्लाज्म दोनों में ही दोनों ही मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। जब गोनियम मेच्योर होता है तब जो है इसमें ऊप्लाज्म के सेंटर में एक फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सभी न्यूक्लियस पेरीफेरल पार्ट में जाते हैं और वहां जा कर के डिजनरेट हो जाते हैं। केवल एक फंक्शनल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस रह जाता है। और मेल हाइफा से जो है एंथीडियम डेवलप होता है जो कि क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये भी मल्टी न्यूक्लियेट होता है और ये लगभग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या तो उसी हाइफा एक ही हाइफा से दोनों निकलते हैं या दोनों आसपास के हाइफा से निकलते हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर इन दोनों जो क्लोज कॉन्टैक्ट में एंथीडियम और गोनियम होते हैं इनके बीच में की जो वाल होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं वाल डिजॉल्व होकर इनसे जो होता है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होता है। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होता है इसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। इससे होकर के मेल न्यूक्लियस से पहले शुरू में जो होता है पूरा प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर एंटर करता है ऊप्लाज्म तक पहुंचता है। तो पहले जब प्रोटोप्लाज्म दोनों का मिक्स होता है तो प्रोसेस कहलाती है प्लाज्मोगैमी। फिर जो है दोनों का न्यूक्लियस यानी कि मल्टी न्यूक्लियेट ये भी रहता है इसमें से सारे डिजनरेट हो जाते, केवल एक मेल न्यूक्लियस जो होता है जब फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है, जो फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूजन करता है मेल न्यूक्लियस और दोनों का फ्यूज होता है तब ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी की प्रोसेस के बाद जो मेल न्यूक्लियस का जो एंथ्रीडियम होता है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये एम्प्टी एंथ्रीडियम दिखाई दे रहा है, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब दिखाई दे रहा है और ऊप्लाज्म में जो है ऊस्पोर जो होता है मियोसिस के बाद जो होता है ऊस्पोर फॉर्म होते हैं। ये ऊस्पोर जो होते हैं ये काफ़ी समय तक रेस्टिंग स्पोर के रूप में भी रह सकता है और ये ऊस्पोर जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और जर्म ट्यूब बना के जर्मिनेट करता है और नया इन्फेक्शन हाइफी डेवलप करता है और फिर से डिजीज कॉज करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊ स्पोर जो होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन ना करके बिल्कुल जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वैसे ही ऊ स्पोर भी क्लीवेज या मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो स्पोर फॉर्म करता है, फिर जो स्पोर के थ्रू जो होता है जो स्पोर जर्मिनेट करके फिर नया इन्फेक्शन हाइफी डेवलप करता है। तो डायरेक्ट ऊ स्पोर भी जर्मिनेशन करके नया इन्फेक्शन हाइफी डेवलप करता है और कभी कभी जो ऊ स्पोर का पूरा कंटेंट वेस्किल में चला जाता है और वेस्किल में जा करके वहाँ पर जू स्पोर क्लीवेज और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जू स्पोर में बदलता है। जू स्पोर्स किडनी सेप्ड रिनी सेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बाई फ्लैजिलेट होता है। तो बाई फ्लैजिलेट किडनी सेप्ड जू स्पोर फॉर्म होता है जो कि बाई फ्लैजिलेट होता है। तो ये जब होता है जब वहाँ सॉयल में पहुँचता है तो कुछ समय तक सॉयल वाटर में स्वार्म करता है, फिर इसके फ्लैजिला गायब हो जाते हैं, ये राउंडेड हो जाता है और राउंडेड होने के बाद कुछ समय तक उसी फॉर्म में पड़ा रहता है जब तक इसको होस्ट नहीं मिलता या जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और नया इन्फेक्शन हाइफी बना लेता है और ऊस्पोर डायरेक्ट भी जर्मिनेशन करता है यानी डायरेक्ट जर्म ट्यूब बना करके नया इन्फेक्शन हाइफी कॉज कर लेता है। तो ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो ये तो जानकारी हो गई कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म है पीथियम। पीथियम की तीन स्पीसीज मेनली रिस्पॉन्सिबल है, पीथियम डिवेरियनम, पीथियम अल्टीमम और पीथियम अफेनी डर्मेटम। अब आते हैं इसके डिजीज साइकिल पर। नेक्स्ट आते हैं इसकी डिजीज साइकिल में। डिजीज साइकिल में तीन स्टेजेज आती हैं, पेरिनेशन, फर्स्ट इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। पेरिनेशन यानी उसकी सर्वाइवल पीरियड, फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन यानी प्लांट फील्ड का कोई नया पहला पौधा नया पौधा नए ग्रोइंग सीजन में पहला पौधा का इन्फेक्शन होना। सेकेंडरी इन्फेक्शन फील्ड के और पौधे जो होते हैं जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब वो कहलाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो पेरिनेशन जो होता है पेरिनेशन यानी सर्वाइवल पीरियड या उसकी चिरजीविता पैथोजन की कहाँ पर होती है। The pathogen perinates in soil through its spores present in infected plant debris or most commonly through its mycelium.
द पैथोजन्स लाइव्स एज सेप्रोफाइट ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल सबस्ट्रेटा इन सॉयल और एज लो ग्रेड पैरासाइट अटैकिंग द फाइब्रस रूट्स ऑफ प्लांट्स. When the proper host and proper growing conditions become available, the pathogen infects the seeds and seedlings, causing damping of disease. जो pathogen होता है इसका pollination soil में होता है, जो कि ऊ स्पोर के फॉर्म में infected plant debris में पड़ा रहता है, या कभी कभी इसका mycelium जो होता है वो plant debris में पड़े रहते हैं. तो pathogen जो होता है saprophytes के फॉर्म में ये डेड प्लांट एनिमल सबस्ट्रेटा सॉयल में लो ग्रेड पैरासाइट जो कि फाइब्रस रूट वगैरह को अटैक करते हैं उन पर भी ये पैरासाइट चूँकि सेप्रोफाइट होता है तो इसलिए उन पर भी ये सेप्रोफाइट की तरह पड़ा रहता है. व्हेन द प्रॉपर होस्ट जब उसको प्रॉपर होस्ट मिले और प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलता है तब ये जो है पैथोजन जो होता है सीड को इन्फेक्ट करता है और सीडलिंग में डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है. ये इसका पेरिनेशन हो गया. इसके बाद आते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है कैसे करता है. द पेरिनेटिंग ऊ स्पोर्स और सेप्रोफिटिक माइसीलियम अकरिंग इन सॉयल सर्व एज द सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन. यानी कि जो स्पोर होते हैं सेप्रोफिटिक माइसीलियम होते हैं वो सॉयल में जो पहले से प्रेजेंट हैं वही मेन जो होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं. जर्म ट्यूब्स रिजल्टेड इन द जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर्स और ऑफ जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाई ऊ स्पोर्स और सेप्रोफिटिक माइसीलियम ऑफ द पैथोजन कम इन कॉन्टैक्ट विद द सीड्स और सीडलिंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट. तो जर्मिनेशन ऊ स्पोर का डायरेक्ट जर्मिनेशन हो या ऊ स्पोर के द्वारा जो जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनके द्वारा जो इन्फेक्शन हो तो सेप्रोफिटिक माइसीलियम जो होता है सेप्रोफिटिक माइसीलियम के द्वारा भी जो होता है कॉन्टेक्ट में आने पर सीड्स और सीडलिंग टिश्यूज होस्ट के जो होते हैं इन्फेक्ट हो जाते हैं. या बाई चांस जो होता है एक्सुडेट्स जो होते हैं उनके थ्रू भी सीड्स और सीडलिंग्स अट्रैक्ट करते हैं जर्म ट्यूब को और सेप्रोफिटिक माइसीलिया को जो कि इन्फेक्शन के लिए पैथोजन को रूट्स के एक्सुडेट्स वगैरह भी पैथोजन को अट्रैक्ट करते हैं. तो बहुत बाद में जा कर के ये जो होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन उसके बाद में जा कर के जब इन्फेक्शन कर लेते हैं उसके बाद पेनिट्रेशन करते हैं यानी कि रूटलेट्स वगैरह से इन्फेक्शन काज करके पेनिट्रेट करके अंदर एंटर कर जाते हैं और सीडलिंग को पूरी तरह से प्री इमरजेंस फेज में या फिर पोस्ट इमरजेंस फेज में प्लांट को सिम्टम्स अपीयर हो जाता है और डिजीज मैनिफेस्ट हो जाता है. ये तो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन. इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन. सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि जू स्पोर्ट्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन से जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद जब स्पोरेंजिया वगैरह बियर होते हैं स्पोरेंजिया का कंटेंट जो होता है बेस्किल में जाता है बेस्किल से फिर जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वेस्किल के रप्चर होने के बाद जब जू स्पोर्स फ्री हो जाते हैं तो ये दूर दूर तक बिखर जाते हैं. ये जू स्पोर्स जो होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन सेम ग्रोइंग सीजन में कॉज करते हैं. तो सेकेंडरी ये जू स्पोर्स जब जो है रिलीज होते हैं और दूर दूर तक पहुँचते हैं जब ये होस्ट के संपर्क में आते हैं नए होस्ट के संपर्क में आते हैं तो जू स्पोर्स जो होता है इंसिस्टेड जो पड़ा रहता है सॉयल में वो फिर जो है जर्म ट्यूब बना के जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और नई डिजीज साइकिल स्टार्ट करता है. तो सेकेंडरी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस यूजुअली व्हेन द कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल बिकॉज द लेटर फेवर क्विक प्रोडक्शन ऑफ जू स्पोर्स रिलीज एंड देन द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द पैथोजन ग्रोइंग ऑन इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स प्राइमरली और सेकेंडरली डेवलप सेक्स ऑर्गन्स विच फाइनली प्रोड्यूस ऊ स्पोर्स. द ऊ स्पोर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन एंड सर्व एज द सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन. फिर
प्राइमरी इन्फेक्शन करने के बाद जो होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन करने के बाद ये जो स्पोर्स या उससे प्लांट की जो माइसीलियम होता है, जो प्लांट में माइसीलियम डेवलप होता है सेकेंडरी माइसीलियम के थ्रू, वहाँ पर फिर वो स्पोर वगैरह फॉर्म होते हैं। ये वो स्पोर्स जो होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उपरांत होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ये वो स्पोर्स जो होते हैं फिर से पेरिनेशन करते हैं और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इसकी जो है डिजीज साइकिल्स चलती है, इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। इसकी डिजीज साइकिल जो है, अब इसको डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिक उससे समझाते हैं। इसकी जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, वहाँ पर जो होता है पैथोजन जो है इन्फेक्ट करता है सीडलिंग को और सीडलिंग को डाई करता है। वहाँ पर स्पोरेंजिया वगैरह बियर होते हैं। ये स्पोरेंजिया जो होते हैं डिजीज कॉज करते हैं, और स्पोरेंजिया जो होते हैं इनसे एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये स्पोरेंजिया वगैरह जो होते हैं इनसे वेस्किल फॉर्म होती है। वेस्किल में जो होते हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये जो स्पोर जो कि रिनी फॉर्म में होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं और रिनी सेप्ड होते हैं, ये जो हैं कुछ समय तक इंसिस्टेड होते हैं, और जब होस्ट और फेवरेबल उनको कंडीशन मिलता है तब जो है ये जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, जर्म ट्यूब बना करके नया इन्फेक्शन हाइफी कॉज करते हैं और सीडलिंग में इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं, डिजीज मैनिफेस्ट करते हैं। दूसरी चीज, स्पोरेंजिया डायरेक्ट जर्मिनेशन करता है, जर्म ट्यूब बनाता है और नया इन्फेक्शन हाइफी कॉज करता है और सीडलिंग में इन्फेक्शन करता है। और इसकी सेक्सुअल एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल स्टेज चलती है। ये जो है स्पोरेंजिया, इसकी जो माइसीलियम होती है, माइसीलियम की जो ब्रांचेज होते हैं हाइफा, उनमें से फीमेल हाइफा से यूगोनियम और मेल हाइफा से एंथीडियम डेवलप होता है, जो कि ये राउंडेड होता है और ये जो है क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। दोनों शुरू में मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यूगोनियम चूँकि इसका जो किनारे पार्ट होता है यानी पेरीफेरल पार्ट जो होता है पेरीप्लाज्म कहलाता है, अंदर का जो है ऊप्लाज्म कहलाता है। ऊप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएट होता है, लेकिन इसके सारे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को छोड़कर सारे न्यूक्लियस पेरीफेरल पार्ट में जाते हैं, वहाँ जाकर डीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए यूगोनियम में सेंटर में ऊप्लाज्म में केवल एक फीमेल फंक्शनल न्यूक्लियस रह जाता है, और एंथीडियम मेल हाइफा से डेवलप होता है या तो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है, दोनों आसपास ही डेवलप होते हैं। दोनों के बीच जब ये कॉन्टेक्ट में आते हैं, दोनों के बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है और इनसे जो होता है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म होता है जो यूगोनियम के ऊप्लाज्म तक जाता है। जो एंथीडियम का प्रोटोप्लास्ट या न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी सारे न्यूक्लियस जो है डिजनरेट होकर केवल एक न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस फंक्शनल रहता है। ये जाकर के फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू पहले दोनों जो होते हैं दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है, ये कहलाता है जो है प्लाज्मोगैमी की प्रोसेस। उसके बाद दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है जो कि कैरियोगैमी कहलाता है। कैरियोगैमी के बाद जो है मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें कि डिवाइड होकर के ये ऊ स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऊ स्पोर एक तो होता है डायरेक्ट जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन करके इन्फेक्शन हाइफा डेवलप करता है और सीडलिंग में इन्फेक्शन करता है, और दूसरा जो है ऊ स्पोर जो है ये जो होता है एक वेस्किल का फॉर्मेशन करता है, जिसके सारे कंटेंट जो है वेस्किल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ पर क्लीवेज और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। चूँकि एक वेस्किल में 100 तक जू स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं, ये जू स्पोर्स जो हैं जब तेज़ी से फॉर्म होने लगते हैं तो वेस्किल की वाल जो होती प्रेशर पड़ने से रप्चर हो जाती है और जू स्पोर्स फ्री हो जाते हैं। ये जो स्पोर्स रिनी सेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और बाई फ्लैजिलेट होते हैं और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ये जो स्पोर कुछ समय तक ऐसे ही सॉयल वाटर में स्वार्म करते हैं, उसके बाद इनका फ्लैजिला गायब हो जाते हैं, ये राउंडेड शेप में हो जाते हैं, यानी इसको इंसिस्टेड जो स्पोर करते हैं। इस फॉर्म में ये लंबे समय तक एडवर्स कंडीशन को ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है या फेवरेबल होस्ट मिलता है, तो ये इंसिस्टेड जो स्पोर जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और नया इन्फेक्शन हाइफी बना करके सीडलिंग पर इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। तो इसकी जो
इन्फेक्शन की सेक्सुअल असेक्सुअल साइकिल चलती है डिजीज साइकिल, वो इस डायग्रामेटिक फिगर के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसी को हम स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू इसकी डिजीज साइकिल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि डिजीज साइकिल ऑफ डैम्पिंग ऑफ सेडलिंग की जो है ये स्कीमेटिक डायग्राम है। जो ऊ स्पोर्स जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद जो स्पोर जो होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिजेज में पड़े रहते हैं, या माइसीलियम इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिज में पड़ा रहता है, ग्रो करता है, तो ये जो है जब वहाँ पर नया पौधा लगाया जाता है इन्फेक्टेड उस सॉयल में, तो वहाँ पर ऊ स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेश होते हैं। जैसे ही पौधा एक्टिव फेज में आता है, पौधा ग्रो करने लगता है, सीडलिंग ग्रो करने लगता है, एक्टिव फेज में आते ही वो स्पोर जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी जर्मिनेशन करते हैं, और कभी कभी जो होते हैं जू स्पोर के द्वारा जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, जर्म ट्यूब बनाते हैं और नया इन्फेक्शन हाइफी कॉज करते हैं। या माइसीलियम जो होता है इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिजेज में सॉयल में सेप्रोफाइट के फॉर्म में पड़ा रहता है, ये जिसके संपर्क में जैसे ही नया पौधा आता है तो ये इन्वेड करके पैथोजन जो होते हैं होस्ट तक पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच कर जो होता है माइसीलियम में जो स्पोरेंजिया वगैरह होता है वो जो है वो जर्म ट्यूब स्टार्ट कर, या माइसीलियम में वो स्पोर वगैरह जो पड़ा रहता है उसे जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, जर्म ट्यूब बनाता है और नया इन्फेक्शन हाइफी कॉज करके होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है और डिजीज मैनिफेस्ट कर लेता है। और फिर जो है ये स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर स्पोरेंजिया जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, उसके साथ साथ जो है एडवर्स कंडीशन में पैथोजन ऊ स्पोर्स भी कॉज करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो कि नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये पैथोजन के पेरिनेशन के लिए ऊ स्पोर फॉर्म करता है। और ये तो पहली साइकिल हो गई प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल। सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल जब होस्ट में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, माइसीलियम डेवलप हो जाता है होस्ट एपिडर्मिस में, तब वहाँ पर वो जो है स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजिया वियर करने लगता है, जो कि ग्लोबोज या फिर स्फेरिकल शेप में होता है। ये स्पोरेंजिया या तो डायरेक्ट जर्मिनेशन करके या फिर जू स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जू स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर जो है ये इंसिस्टेड होता है, और जू स्पोर रप्चर होने के बाद वेस्किल के रप्चर होने के बाद फ्री होकर के जो है सॉयल में पहुँचता है, सॉयल में इंसिस्टेड फॉर्म में पड़ा रहता है। जैसे ही इसको नया होस्ट मिलता है जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है यानी डिजीज मैनिफेस्ट कर देता है, तो ये इसकी सेकेंडरी साइकिल होती है। इस तरह से डैम्पिंग ऑफ सेडलिंग की डिजीज साइकिल चलती है, जो कि पेरिनेशन ऊ स्पोर या प्लांट डिब्रिजेज में पड़े हुए माइसीलियम के द्वारा होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन हमेशा ऊ स्पोर्स के द्वारा या फिर प्लांट डिब्रिजेज में पड़े हुए माइसीलियम के द्वारा होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है स्पोरेंजिया के थ्रू या फिर जू स्पोर्स के द्वारा होता है। अधिकतर जो होते हैं जू स्पोर्स के द्वारा ही सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होता है। इसके बाद आते हैं इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। नेक्स्ट है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिजीज को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर्स होते हैं, द कंडीशंस विच प्रीडिस्पोज द सीड्स एंड सीडलिंग्स टू डैम्पिंग ऑफ डिजीज आर इल एरिएटेड सॉयल एंड इल ड्रेन्ड सॉयल, टेम्परेचर इन सॉयल बिटवीन 75 डिग्री फॉरेनहाइट टू 85 डिग्री फॉरेनहाइट, अबंडेंट मॉइस्चर, ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स एंड सीडलिंग्स एंड द अक्रेंस ऑफ टू मच डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि इसकी जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होती है डिजीज कॉज होने में जो हेल्प करती है वो होता है इसका जो इल एरिएटेड, मतलब एरिएशन अच्छा ना हो, ड्रेनेज अच्छा ना हो सॉयल का, तब आसानी से डिजीज मैनिफेस्ट हो जाती है। और सॉयल का टेम्परेचर जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड या 85 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो तब आसानी से कॉज हो जाती है। अबेंडेंट सॉयल हो यानी कि मॉइस्चर वहाँ पर अबेंडेंट हो, और सीड्स जो है बहुत पास पास सीड और सीडलिंग्स निकले हुए हों, ओवर क्राउडेड हों, तो वहाँ पर जो होता है और डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक मात्रा में हो
तो ये डिजीज आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है। डिजीज मैनिफेस्ट, इसके डिजीज के सॉरी डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज के कंट्रोल के लिए सीड को, क्योंकि सीड बॉर्न डिजीज होता है, सॉयल बॉर्न डिजीज होता है, इसलिए सीड का भी ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक होता है। तो ट्रीटिंग सीड्स विद सुटेबल सीड प्रोटेक्टेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर अगेंस्ट प्री इमरजेंस स्टेज ऑफ डैम्पिंग ऑफ डिजीज। प्रोटेक्टेंट आर अप्लाइड इन ड्राई और वेट फॉर्म द सीड्स प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सीड कोट विच कीप द पैथोजन अवे अंटिल द सीडलिंग्स हैव इमर्ज्ड। तो ये प्रोटेक्टेंट होते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, अरेसान, एग्रोसान जीएन, एन आई सेरेसान, कैप्टॉन, ब्लिटॉक्स 50 एंड सेमेसान, फाइगॉन, मिथाइलो जान। ये सभी जो होते हैं सीड कोटिंग जो होती हैं इनके थ्रू जो होता है डिजीज को मैनिफेस्ट डिजीज को मैनेज किया जा सकता है, यानी सीड में जो इन्फेक्शन हो तो उसको सीड में इन्फेक्शन होने से पहले ही इसको सीड को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्रोसान जीएन सेरेसान कैप्टॉन एरासान मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह का लेप करके सीडलिंग्स वगैरह को सेव कर सकते हैं जिससे पैथोजन का उस पर अटैक ना हो। नेक्स्ट होता है सीड कोटिंग विद स्पोर्स ऑफ ट्राइकोडर्मा हर्जिनम पेनिसिलियम पेनिसिलियम स्यूडोमोनास पेनिसिलियम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस हैज प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव बायो कंट्रोल डिवाइस ऑफ डैम्पिंग ऑफ। तो इसमें ट्राइकोडर्मा पेनिसिलियम पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम सेल्स स्यूडोमोनास की स्पेसीज और स्यूडोमोनास फ्यूमरोसेंस ये सभी जो होते हैं इनकी अगर कोटिंग कर दी जाए स्पोर्स के ऊपर, जो कि ट्राइकोडर्मा चूँकि मित्र फंजाई कहा जाता है, पेनिसिलियम भी फंजाई है, स्यूडोमोनास है एंड स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, इन सबका जो है ये बायो कंट्रोल इनके थ्रू जो होता है डैम्पिंग ऑफ का किया जा सकता है। इस पर सीड की कोटिंग करके डिजीज से हम पौधे को बचा सकते हैं, सीड को बचा सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जो होता है, चूँकि सॉयल के थ्रू भी ये इन्फेक्शन कॉज होता है, तो सॉयल के थ्रू इन्फेक्शन काज होता है तो सॉयल को जो होता है स्टरलाइज कर दिया जाता है स्टीम के थ्रू या ड्राई हीट के थ्रू। सीड को प्रोटेक्टेंट यूज करते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूड करते हैं सेवरल फाइगॉन एग्रोसान जीएन सेमेसाम कैप्टॉन सेरोसान विल्टॉक्स 50 एंड अदर दीज आर अप्लाइड द सीड इन ड्राई और वाटर फॉर्म। इसके अलावा सीड का ट्रीटमेंट और भी फंगीसाइड्स के थ्रू किया जाता है, जैसे सीडमेंट फॉलोड किया जाता है फॉलोड बाय स्प्रेइंग ऑफ सीडलिंग विद जायराम क्लोरेनिल कैप्टॉन सॉल्वल कैप कॉपर्स वगैरह के थ्रू। इनके अलावा डिसइंफेक्शन सीड का जो होता है कैप्टॉन थायराम ब्लिटॉक्स 50 इनके थ्रू भी किया जाता है। और कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इंक्लूड चीफली गुड ड्रेनेज इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉयल एरिएशन चेक द एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रेट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इन सब का यूज करके भी डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।